तो ये बात है। पता नहीं और कितने फ्लैशबैक हैं तेरे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके मरने से पहले तू ये करता ना तो शायद अपनी पूरी जायदाद वो तेरे नाम कर देता। छोड़िए डैड, मुझे नहीं चाहिए। स्नेहा, ये सब क्या है? पापा, ये अब मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ हूँ। हमारी ना शादी हुई है, हम हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। अरे पर बेटी, हम यहाँ किस काम के लिए आए थे और ये तूने क्या कर डाला? ये सब कुछ नहीं जानती पापा, नमो दादा के अंतिम संस्कार का काम आप देखिए, गोवा जाकर हनीमून मनाने का काम हम करेंगे। आहा, एक ही दिन में तूने मेरी मासूम बेटी की बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी। ए बेटा, चाहे तू हनीमून के लिए गोवा चली जाना या ऊटी चली जाना, लेकिन तूने इससे शादी क्यों की? नहीं पापा, इससे शादी करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मतलब? वो क्या हुआ ना, मैं और कुम्मी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब ना दुष्यंत और शकुंतला नाम के किसी जमाने में दो प्रेमी थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। मतलब? गंधर्व विवाह मतलब गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व जय हो। कौन है रे तुम लोग? फ्रेंड्स। नहीं नहीं, हम लवर्स हैं। हाँ लवर्स। नहीं नहीं, फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स। तुम्हारा नाम क्या है? कुमार, लोग प्यार से मुझे कुमी कुमी बुलाते हैं। और ये लड़की तुझे क्या बुलाती है? कुमी नहीं, कुमार बुलाती हूँ। हाँ कुमार बुलाती है। नहीं कुमी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वी जस्ट केम फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हिंदी में? हम वो सुबह की सैर करने के लिए यहाँ आए हुए थे। जिस काम के लिए आए थे हुआ क्या? अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। क्या भाई? वॉकिंग वॉकिंग। भाई मुझे तो लगता है ये लोग वॉकिंग करने नहीं, इधर स्लीपिंग करने को आए थे। ए मंगल सूत्र दे, चल लड़की को पहना। सर हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं। मुझे पता है तुम लोग यहाँ शादी करने के लिए नहीं आए हो, इसलिए हम शादी करवा देते हैं। कल को मुझे इससे शादी करनी पड़ सकती है और तेरे जैसे की मेरी किसी बहन से शादी हो सकती है, और फिर तब इनकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी और मेरी भी। इसीलिए मैं किसी भी लड़की की जिंदगी तबाह नहीं होने देना चाहता हूँ। चलो दोनों शादी करो, चल बांध इसे। सर ये तो दादागिरी है। ये दादागिरी है, चुपचाप शादी करेगा या ये खाएगा? गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व सेना जय हो, गंधर्व सेना जय हो, गंधर्व सेना जय हो, गंधर्व सेना की जय हो। पापा यही सब हुआ। अरे बेटा, कोई और संघ के लोग होते तो तुझे दो ऑप्शन देते, या तो फिर शादी करो नहीं तो राखी बांधने को कहते। मुझे सेकंड ऑप्शन दिया ही नहीं, अगर वो मुझे देते तो मैं इसे राखी ही बांधती। ठीक है कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन ये तुम्हारे लायक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं इन्हें। हाँ ये मेरे लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ा था और नारियल पानी तोड़कर पिलाया पापा। पर आपने कभी भी पेड़ पर चढ़कर मुझे नारियल पानी तोड़कर नहीं पिलाया। कल शाम को मुझे बहुत ठंड लग रही थी पापा, तब इसने अपना जैकेट मुझे दिया। और आप घर में पड़ी बेडशीट ही उड़ाकर सुला देते थे मुझे। और हाँ, आप पर भरोसा करने से ज्यादा, मम्मी पर भरोसा करने से ज्यादा, भैया पर भरोसा करने से ज्यादा, इस कुम्मी पर भरोसा करने का मन किया पापा। ये मेरा ख्याल रखिएगा पापा, मैंने सही इंसान से शादी की है। नहीं बेटा, इस पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, वो अभी अनमैच्योर्ड बच्ची है। हाँ मैं एक अनमैच्योर्ड बच्ची ही हूँ। डैड मैं भी एक बच्चा ही हूँ। बच्चा बोलकर ना जाने कितने बच्चे पैदा कर चुका है। अरे नहीं नहीं डैड, क्या बोल रहे हो? क्या रे?
औरतों को अपनी जागीर समझता है, मारो बहुत देर उनकी जिंदगी के साथ खेलता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। मास्टर, हे मास्टर, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? क्या रे, मेरी स्टूडेंट का रेप करके उसका मर्डर किया, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब इसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है कमीने? जान से मार दूंगा तुझे। देखिए सर, यही है वो कातिल, इसे अंदर कर दीजिए, इन कमीनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, या फिर इसे पब्लिक के हवाले कर दीजिए, पत्थर से मार मार कर जान ले लेंगे। अच्छा। अरे ये कैसा घटिया स्कूल मास्टर है, एक हीरो, एक सुपरस्टार की इंसल्ट कर रहा है। टू मच नहीं है, फोर मच है। मास्टर जी, इसे फांसी पर चढ़ाना है या पब्लिक के हवाले करना है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये बताइए, ये घड़ी किसकी है? मेरी नहीं नहीं, मेरी नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की बच्चे हमारे आनंद मास्टर जी के हाथों पढ़ लिख कर बड़े हुए, जब भी पैसों की तंगी होती तो वही फीस देते थे। ऐसा कोई भी नहीं साहब जिस पर शक करे। सर, ये घड़ी बहुत महंगी और रेयर है, ये घड़ी कंपनी अब बंद हो चुकी है, इसके पार्ट्स मिलने बहुत मुश्किल है, और आप जो ये चेन लाए ना सर, ये इसी घड़ी का है। ये घड़ी बंद हो गई थी और रिपेयरिंग के लिए परसों ही मेरे पास आनंद मास्टर जी ने रिपेयर के लिए दिया। तो मिस्टर देव कुमार, अगर मास्टर जी ये घड़ी लेने आते हैं तो इसे मुंबई में रिपेयर के लिए भेजा है कह देना, ये दोनों मैं रख लेता। ओके सर। मिस्टर आनंद, टाइम क्या हुआ है? सॉरी सर, मैं वॉच यूज नहीं करता। इस दरिंदे को या तो फांसी की सजा दे दो या पब्लिक के हवाले कर दो। इन्हें किसी के हवाले करने से क्या फायदा, हमारी बेटी तो हमें वापस नहीं मिलेगी ना। राज सरकार वाले सुबह होते ही टीवी पर, रेडियो पर बोलते रहते हैं, आपकी बेटियों को स्कूल भेजिए, स्कूल भेजिए, पर उन्हें क्या पता है कि उनके बनाए हुए स्कूल में ऐसे घटिया नीच मास्टर पढ़ाते हैं। मैंने सोचा था मेरी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, इसीलिए मैंने इस टीचर पे भरोसा किया और इसने उस भरोसे को तोड़ दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया, इसीलिए अब इस पर कौन कैसे भरोसा करेगा? ये मेरे बेटे का कातिल है। हाँ, हवलदार। यस सर। इधर आ। सर, और ये टॉनिक बाबा? तू आ, वो कहीं नहीं जाएगा। ओके सर। मैं भी कल से इसे यही कह रहा हूँ कि तू जा अपना काम देख, वो सब काम छोड़ करके मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं कोई आइटम हूँ जो